हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। उर्मिला की दुनिया में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त होंगे। और आज हम आपको आलू का पराठा बनाना सिखाएंगे। ये हम सोचे काफ़ी दिन हो गया था आप लोगों से, आप लोगों को कुछ भी शेयर नहीं किया मैंने। और अभी ठंडी के सीज़न है तो आलू का पराठा, गोभी का पराठा, मूली का पराठा, ये नए नए मतलब डिश अभी मतलब खाने में अच्छा टेस्टी भी और मतलब फ़ायदेमंद है भी सब रहता है। और शायद आप लोग भी बनाते होंगे, तो आज हम अपने तरीका से आपको आलू का पराठा बनाना बता रहे हैं। आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और ये देखिए, हमने 8-10 आलू उबाल के इसको छिल के रख लिया है, इसको मैश कर रहे हैं मैशर से। आप लोग हाथ से भी कर सकते हैं या आप अपने तरीका से कर सकते हैं इसको। मैंने सरसों का तेल डाल दिया है, आप चाहें तो रिफाइंड भी डाल सकते हैं, जो आप ऑयल यूज़ करते हो आप डाल सकते हैं। इसमें मैंने पंच फोड़न ले लिया है, इसमें धनिया, मेथी, हींग, जीरा और मंगरेल, अजवाइन है, इसको मैंने डाल दिया है। तेल हो गया गरम, थोड़ा सा और गरम हो जाए तो डालते हैं। गरम हो गया है, इसमें अजवाइन डाल देते हैं और पंचफूरन डाल देते हैं। ये थोड़ा अदरक आप मैंने काट के रखा है, इसको डाल देते हैं। हरी मिर्च डाल देते हैं, ये देखिए ये ऐसा हो गया। अब इसमें हम डाल देंगे एक मटर। गाइस, मटर थोड़ा चिटकता है, उसको थोड़ा सा पकने के लिए हमने पहले डाल, उसके बाद में तुरंत इसमें आलू डाल देंगे, क्योंकि ये कच्चा मटर है तो जल्दी पक जाता है। फिर ये आलू मैंने मैश करके रखा हुआ है, इसको ये इसमें डाल देंगे। आप आलू मैश करते समय भी नमक हल्दी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैंने मिक्स नहीं किया है उस समय पहले। अभी मैं इसमें डाल दूंगी हल्दी, हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, आपका जितना क्वांटिटी है सामान का उस हिसाब से आप नमक डाल सकते हैं, धनिया पाउडर, लाल मिर्च आप डाल सकते हैं, लाल मिर्च हमने नहीं डाला है क्योंकि लाल मिर्च हम नहीं ज़्यादा यूज़ करते, चाट मसाला, आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं आप लोग, आमचूर पाउडर हमने नहीं डाला है, हम ये डालेंगे, ये टर्मन लिक्विड है तो इसको मैंने डाल दिया है 1 चम्मच के आसपास। इसको सारे को मिक्स करके अच्छे से भून लेंगे। आप प्याज भी डाल सकते हो, प्याज कट करके उसको फ्राई करते समय, लेकिन मैंने नहीं डाला है क्योंकि हम आलू का पराठा इस तरीके से भी बनाते हैं। कई लोग प्याज डालते हैं, मैंने प्याज नहीं डाला। लहसुन पत्ती मैंने काट के रखा हुआ है, इसको भी आप डाल सकते हैं। ये दो तरीके से बन सकता है, लहसुन, धनिया, मिर्च और अदरक पीस के उसके बाद में आलू में मैश करके भी और थोड़ा अमचूर पाउडर डाल के वो तरीका से भी बना सकते हैं, और फ्राई करना है तो इस तरह से भी बना सकते हैं। मैंने थोड़ा लहसुन पत्ती डाल दिया इसमें और धनिया मैंने काट के रखा, ये धो के वो डाल देते हैं। नमक और अजवाइन डाल के, थोड़ा मोयन डाल के मैंने गूंद के रखा हुआ है।
ये मसाला तैयार हो गया। अब इसको है आटे की गोली बना के उसमें भर के बना के दिखाती हूँ। ये तैयार हो गया मसाला, ये थोड़ा ठंडा हो गया है। अभी इसको इतना लेंगे, इस साइज का मैंने लोई बना रखा है, और इसको फिर इसमें ऐसे डालेंगे और इसको हम देंगे। ये है इसको ऐसे घुमा के, इसमें अच्छा तो उसे घी लगा देंगे। आप अपनी इच्छा हिसाब से घी डाल सकते हैं, कई लोग रिफाइंड यूज करते हैं तो रिफाइंड यूज कर सकते हैं, इस जगह पर देसी घी यूज कर रहे हैं आप जो भी आपको यूज करना हो कर सकते हैं, कम ज़्यादा। ये गाइस आपकी तैयार है आलू पराठा और दही के साथ, लाल चटनी हरी चटनी के साथ। आप लोग भी बनाइए और खाइए ठंडी में, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। थैंक यू गाइस।